सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मनुष्य को चाहिए कि क्रोध को दया से, बुराई को भलाई से परास्त करें। आपका दिमाग जितनी कल्पना करता है वही आप हासिल करते हैं। त्याग का अर्थ परिणाम के प्रति उदासीनता नहीं है। मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। आज का पंचांग 1 जून 2021 दिन मंगलवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रात्रि 12:46 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र शाम 4:07 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 3:44 से 5:24 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 11:58 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। मकर राशि 1 जून 2021 दिन मंगलवार, पिछले कुछ समय से आप आवेग के प्रभाव में आकर फैसले, लेकिन आज आपको योजना बनाकर सही ढंग से काम करने की महत्व का पता चलेगा। इससे आपकी प्रवृत्ति बदल जाएगी और आपके काम का ढंग नियोजित होता जाएगा। योजना बनाने के लिए कभी देर नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। योजना बनाकर आप सभी कामों को सही ढंग से भी कर पाएंगे। आपके आर्थिक योजना से संबंधित कोई लक्ष्य आज फलीभूत होगा जिसकी वजह से मन खुश रहेगा। परंतु प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री संबंधित कोई कार्य बन रहा है, लेकिन उसमें कुछ व्यवधान आने के बाद ही सफलता मिलेगी। सही या गलत का फैसला करते समय अपने अहंकार को बीच में न आने दें, न ही अपने अंदर की प्रतिरोध की भावना को अपने ऊपर हावी होने दें। आज कई सारे प्रसंग उत्पन्न होंगे जिसके कारण आपके अंदर गुस्सा बढ़ सकता है। आपके द्वारा हो रही गलती को ठीक करते समय उनको उनकी गलती का एहसास दिलाने की भी आवश्यकता होगी और किसी की भी मदद अपने दायरे से बाहर निकाल कर ना करें सरकारी कामों से जुड़े अधिकारी अपने अधिकारों का इस्तेमाल गलत तरीके से ना करें, आपके लिए समस्या पैदा हो सकती है। पार्टनर और परिवार के लोगों के साथ संतुलन बिगड़ने के कारण मानसिक स्वरूप से आपको अधिक तकलीफ होगी। सावधानियां, किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में अपना आपा ना खोएं। शांतिपूर्वक तरीके से परिस्थितियों का सम्मान करें। दिखावे की प्रवृत्ति से दूर रहें तथा जीवन की वास्तविकता से सामना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। जटिलताएं आपके प्रेम के क्षेत्र में आ सकती है। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि आवेग आपको कुछ भी शुभ नहीं देगा। आपको अपने साथी के साथ प्यार और स्नेह को पहचानने की भी जरूरत है जो कि तनाव के चलते कहीं दब सा गया था। अपने आत्मसम्मान और अपने साथी के लिए अपनी प्रतिबद्धता के बीच एक अच्छे संतुलन को बनाए रखना अब बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं करियर की। एक छोटी लेकिन बेहद आकर्षक अवसर आज आपके लिए खुलने की संभावना है। निर्माण या अचल संपत्ति के कारोबार में निवेश आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। हालांकि अगर आप समय पर निर्णायक कार्यवाही करते हैं तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप समय बर्बाद करेंगे तो अवसर आपके हाथ से निकल जाएंगे। संपत्ति से संबंधित ऋण भी आज मंजूर होने की संभावना है। व्यवसाय में सारे फैसले स्वयं ही ले। आज मार्केटिंग संबंधित कार्यों को स्थगित रखें क्योंकि इनमें समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। नौकरी में आप अपने कार्यों को उचित तरीके से भी पूरा कर पाएंगे। बात करते हैं सेहत की। आज पेट से जुड़ी तकलीफों के कारण आप थोड़ा डाउन महसूस कर सकते हैं। हालांकि दिक्कत बड़ी नहीं है। आज पानी और
आज आप ठंडे पेय पीने से सावधान रहें, क्योंकि इनसे आपको पानी से होने वाला संक्रमण हो सकता है। यह सुझाव भी आपके लिए है कि आज आप बाहर के खाने और अस्वास्थ्यकर भोजन से बचें, आप बाहर के पानी पीने से भी बचें, नहीं तो संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। आज का उपाय, आज हनुमान भगवान जी को सिंदूर चढ़ाए शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।